इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम, न खाऊंगा न खाने दूंगा और न ही भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा। कुछ ऐसे ही दावे दो साल में हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल खट्टर करते नजर आए, लेकिन हुजूर इसी मनोहर राज में खाने खिलाने से लेकर लूट खसोट मचाने वाले भ्रष्ट अधिकारी बेरोक टोक फल फूल रहे हैं। भ्रष्टाचार में सने अधिकारियों का बोलबाला बुलंद है, मोटी मलाई के दम पर फाइलें सरकाई जाती हैं और तोहफे में मलाईदार कुर्सी पाई जाती है। लगता है कि मंत्री और सरकार भी इन पर मेहरबान हैं और सारा सिस्टम इनके इशारे पर नाचते हैं। जीरो टॉलरेंस के दावे की धज्जियां उड़ाता एक और सच आज हरियाणा न्यूज आपको दिखाएगा। इससे पहले पूरा मामला आपको बता दें, जरा इस तस्वीर में नजर आ रहे शख्स को देखिए। नाम सतीश रोहिला, आरोप भ्रष्टाचार, ट्रांसफर कराने और करवाने में माहिर, मलाईदार जगहों पर पोस्टिंग लेने का हुनर, पद सहायक रजिस्ट्रार। गुड़गांव सहकारी समितियों में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर रह चुके सतीश रोहिला को एक बार फिर गुड़गांव पोस्टिंग दे दी गई। सोमवार को सतीश रोहिला का ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिया गया। सतीश रोहिला पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में गुड़गांव से झज्जर सतीश रोहिला का ट्रांसफर हुआ था। गुड़गांव सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार रहते हुए सतीश रोहिला पर घोटाले के गंभीर आरोप लगे थे। हरियाणा न्यूज ने गुड़गांव सहकारी समितियों के घोटाले का पर्दाफाश किया था। हरियाणा न्यूज ने ट्रांसफर के बदले मोटी रकम देने का भी खुलासा किया था। खुलासे के बाद सतीश रोहिला का ट्रांसफर झज्जर कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक सरकार को अरसे से चुना लगा रहे सतीश की नजदीकियां बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक है। इसी पहुंच के जरिए सतीश रोहिला गुड़गांव जैसी मनचाही जगहों पर ट्रांसफर लेता आया है। हरियाणा न्यूज के पास इस पूरे खेल की कुंडली मौजूद है और काले कारनामों का चिट्ठा भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गुड़गांव में ट्रांसफर कराने के लिए रोहिला ने पैरवी लगाई? अगर हाँ तो किसकी मेहरबानी से सतीश रोहिला को दोबारा गुड़गांव में ट्रांसफर किया गया? सतीश रोहिला का नाम साल 2015 में उस वक्त सामने आया था जब गुड़गांव सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार रहते हुए सतीश रोहिला ने शराब वेंडर रश्मि रानी को अवैध तरीके से जमीन दी और सरकारी खजाने को लाखों का चूना लगाया और जमकर पैसा खाने का भी आरोप लगा। 2015 में सहकारी समितियों की जमीन को अवैध तरीके से अलॉट करने का खुलासा हुआ था। गैर कानूनी तरीके से अपने अधिकारों से बाहर जाकर सतीश रोहिला ने शराब वेंडर रश्मि रानी को जमीन दी। 20x40 वर्ग गज जमीन शराब वेंडर को ठेके पर दी गई थी, लेकिन 399 वर्ग गज जमीन पर 2015 से 2016 तक अवैध रूप से कब्जा रखा। बिना किराया दिए शराब वेंडर का ठेका चलता रहा, जिससे सरकारी खजाने को लाखों का नुकसान हुआ। अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन का साल भर का 24,88,800 रुपए कमर्शियल किराया बनता है। जांच में ये पाया गया कि सहायक रजिस्ट्रार सतीश रोहिला ने जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की और इनको फायदा पहुंचाया। जांच के बाद सतीश रोहिला से करीब 41,00,000 रुपए रिकवर करने का आदेश भी हुआ। रोहिला के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए गए, लेकिन अभी तक सतीश रोहिला से न घाटे की रकम वसूली गई न कार्रवाई हुई। एक और सरस्वती कुंज के मामले में भी FIR दर्ज हो चुकी है। इस मामले में भी जमीन की रजिस्ट्री सतीश रोहिला ने ही की थी। गुड़गांव कोऑपरेटिव सोसाइटीज विभाग सहकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। हरियाणा न्यूज ने सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर से इस बारे में जवाब मांगा तो मंत्री महोदय ने मामले की जानकारी न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया और कहा, पूरे मामले की जानकारी ले रहा हूँ। एक और बड़ी बात यह है कि सतीश रोहिला के ट्रांसफर ऑर्डर पर 25 नवंबर को साइन हुआ। ट्रांसफर की खबर सोमवार यानी आज सामने आई।
हरियाणा न्यूज ने शनिवार को सबसे पहले सूत्रों के हवाले से खबर का खुलासा कर दिया था। हरियाणा न्यूज ने यह भी बताया कि सोमवार को ट्रांसफर लेटर जारी हो सकता है और आखिरकार ट्रांसफर की खबर सच निकली। सतीश रोहिला का पूरा कांड हरियाणा न्यूज साल 2015 में ही जग जाहिर कर चुका है, जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत और पैसे की लूट घसोट का पर्दाफाश किया गया था। हरियाणा न्यूज ने अपने ऑपरेशन खुलासा में दिखाया था कि कैसे ट्रांसफर और मलाईदार कुर्सी के लिए मोटी रकम का लेन देन होता है, कैसे मंत्री तक लाखों रुपए भेजे जाते हैं। ऑपरेशन खुलासा में ट्रांसफर कराने के लिए रिश्वतखोरी का पूरा खेल दिखाया गया। स्टिंग ऑपरेशन में गुड़गांव सहकारी समितियों में घोटाले का पर्दाफाश हुआ। इस खुलासे में सहकारिता मंत्री रहे विक्रम ठेकेदार के साले अजीत यादव का नाम भी आया था। हरियाणा न्यूज के कैमरे पर सहकारी समिति के इंस्पेक्टर बीरेंद्र हुड्डा 15,000 रुपए रिश्वत लेते कैद हुआ था। बीरेंद्र हुड्डा ने खुलासा किया था कि हर महीने मंत्री और उसके साले अजीत यादव तक 15,00,000 रुपए पहुंचाए जाते हैं। बीरेंद्र हुड्डा ने सहायक रजिस्ट्रार रहे यशपाल दहिया का भी नाम लिया था। यही आरोप और विवाद सहकारिता मंत्री रहे विक्रम ठेकेदार पर भारी पड़े और बाद में मंत्रिमंडल से ठेकेदार की छुट्टी भी हो गई। सवाल ये है कि जांच के बीच में सतीश रोहिला का ट्रांसफर गुड़गांव दोबारा क्यों हुआ? कार्रवाई की जगह सतीश रोहिला पर मेहरबानी क्यों हुई? क्या सतीश रोहिला पर सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर की मेहरबानी है? गुड़गांव सहकारी समितियों में हुए 41,00,000 के वित्तीय नुकसान की भरपाई सतीश रोहिला से क्यों नहीं हुई? क्या भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का सरकार का दावा झूठा है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस मुद्दे में तबादले की माया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट के जरिए विस्तार से हमने बताया कि किस तरह से हरियाणा न्यूज ने 2015 में ही बहुत बड़े खुलासे कर दिए थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर किस तरह की धांधली चल रही है। लेकिन जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार और तबादलों की यह माया, आखिर इसके बीच का कनेक्शन क्या है, इसको समझना बेहद जरूरी है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी की बात करके ब्लैक मनी को रिकवर करने की बात करते हैं, वहीं जहां ये करप्शन हो रहा है जो कि ब्लैक मनी की वजह से ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, वहां कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर ये जो तबादले की माया है ये किस ओर इशारा करती है, इसे समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि सरकार कहती है कि ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स को हम बेहद ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं, उस ट्रांसपेरेंसी के दावे पर भी सवाल खड़े जरूर होते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर अनंतराम है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अनु चौधरी है बीजेपी से, दलबीर धनखड़ इनेलो खजांजी है कांग्रेस से, और रणबीर सिंह है हमारे साथ शिकायतकर्ता है। इन्होंने भी बहुत सी जो शिकायतें हैं रोहिला के खिलाफ की, सीएम साहब को भी पत्र लिखे, उसके बावजूद जो हमने खुलासे किए वो भी हम आपको दिखा चुके हैं, रिकवरी नहीं हुई और गुड़गांव जैसी प्राइम पोस्टिंग पाने में वो सफल रहते हैं, तो यकीनन सवाल तो खड़े होंगे उस ट्रांसपेरेंस पॉलिसी पर भी और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पर भी। अनंतराम जी, आपसे इसलिए शुरू कर रही हूं क्योंकि इन ऑपरेशन खुलासा पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री सब में आप साथ रहे हैं और अब ये जो दोबारा हमने दिखाया कि वही सतीश रोहिला फिर से इस कुर्सी को हासिल करने में कामयाब रहे। एक तरफ सरकार ट्रांसपेरेंसी की बातें करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, पैरामीटर्स क्या हैं? देखिए, ऐसा है, एक ऐसा विवादास्पद सरकारी अधिकारी जिसके खिलाफ रिकवरी भी 41,00,000 से ज़्यादा की निकाल दी गई हो, वो रिकवरी तो रिकवरी करने की बात छोड़िए, उसको दोबारा फिर ऐसा प्राइज पोस्ट पे, गुड़गांव जो प्राइज पोस्ट मानी जाती है, वो अपना तबादला कराने में सफल होता है, तो ये एक सीधा सीधा एक इंगित करता है एक जहां से उसे एक कॉज के लिए ट्रांसफर किया गया, कहीं पे उसी कुर्सी पर आपने उसे दोबारा बिठा दिया। मैं यही कह रहा हूँ ना, 41,00,000 तो उसके खिलाफ रिकवरी या निकाली गई थी और फिर उसी को यहाँ लाया, ये तबादला ये इस और इशारा करता है, इंगित करता है कि कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे हुआ है। हुआ का मतलब पैसे का लेन देन हुआ हो,
या उसको मंत्री महोदय को कुछ फायदा पहुंचाने, जैसे पहले विक्रम सिंह को फायदा हर महीने जाता था 15 लाख रुपए, उस राउंड रिकॉर्ड का था रविंद्र हुड्डा ने, वो जो उस टाइम इंस्पेक्टर थे, हालांकि यहाँ दही आपके ARBI थे, उन्होंने भी इस बात को मानना था। तो कहने का मतलब, और एक उस समय के मंत्री के सेक्रेटरी, ऑफिशियल सेक्रेटरी जो था, उसने भी कहा था कि जी हम क्या करें, मंत्री जी ने कर दिया, वो तो ऐसा ही है, एक शराब भी था, एक ये था, यहाँ सारा कुछ खुलासा हुआ था बिल्कुल फर्स्ट हैंड। और मेरी, मैं आपको बताऊं, मेरी जब मनीष करोवर जी से हाल ही में जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, और कोऑपरेटिव्स कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में चल रही इन सारी बातों को लेकर जब सवाल खड़े किए थे हमने कि पहले इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, तो मंत्री महोदय ने उस पर बात करने से बिल्कुल मना कर दिया था। उन्होंने सिंपल एक लाइन कही थी, जो हो चुका उसे भूल जाइए, अब आगे देखिए। अब जब आगे बढ़ के देख रहे हैं तो फिर कुछ और ही नजर आ रहा है। तो मंत्री जी, अगर आप देख रहे हैं तो यकीनन जो पीछे छोड़ चुके हैं, आगे क्या है उसको भी समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उसी कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट की हो रही है, वही बात तो बात है। अच्छा, और उसी गुड़गांव की हो रही है, और उसी कॉर्पोरेट उसी जगह की, चाहे वो शराब के ठेके की जमीन कितनी इस्तेमाल करती रही वो औरत जिसको अलाट किया था, और कितना नुकसान सरकार को हुआ, और इसके बाद जब इंक्वायरी भी हुई इसके नाम रिकवरी भी डाल दी, वो रिकवरी तो लेना छोड़ की बात है, उसी प्राइज पोस्ट पे एक आदमी को फिर उसी विवादास्पद को, अगर मैं भ्रष्टाचार शब्द ना कहूं तो विवादास्पद तो कह सकता हूं। नवजोत जी, बड़ी हैरानी होती है सरकार पे जो जवाबदेही की बातें करती थी, किसी तरह का भ्रष्टाचार ना करेंगे ना होने देंगे, ये बड़े बड़े वायदे करके लोगों को बहका के आए थे। और मैं तो हैरान एक बात पर हूं नवजोत जी, आपने ये मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया था, विक्रम ठेकेदार या मंत्री होते थे, उसका असर भी हुआ, कई पार्ट में आए, मैं लगातार मैं ही आया हूं उसमें, कम से कम 4 डिबेट मेरे याद है मैंने की थी। और मैं तो हैरान हुआ इस बात से, विक्रम ठेकेदार का जाने का हमने कारण बार बार पूछा, आपको ध्यान होगा विधानसभा में बार बार पूछा था सीएम महोदय से, विक्रम ठेकेदार और घनश्याम सराफ को क्यों हटाया गया, ये हमें जवाब दिए। आप मानोगे आज तक जवाब नहीं दिया किसी को भी, ये कहे ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमने किसको लगाना किसको हटाना, मुख्यमंत्री ने एक ही शब्द कह दिया, हमारा मेरा अपना मामला है, मेरी कैबिनेट का मामला है, मेरे मंत्रिमंडल का मामला है। परंतु मैं तो आज भी उस दृष्टि से आपको देखता हूं, जो आपने मुद्दे उठाए थे, विक्रम ठेकेदार का साड़ा, और जो निर्यात यशपाल दैया यहां बैठे थे, मेरे साथी बैठे थे, उनकी वजह से विक्रम ठेकेदार को जाना पड़ा। मैं इसको बधाई का पात्र आप हैं, पर देश की जनता को आपने जागरूक किया, आपने दिखाया सरकार के कारनामे, परंतु सरकार यहां भी नहीं रुकी, आप वो देख लो। अब मनीष ग्रोवर जी मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट के, मैं तो उन पर सीधा सीधा आरोप लगाता हूं, जिस ऑफिसर से रिकवरी कब होती है, रिकवरी जब होती है पता लगा था नेग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी आपने की है, आपकी वजह से ये रिकवरी हमें सरकार को नहीं मिली, इस प्रदेश की जनता को नहीं मिली, वो आपसे उगाई जाएगी, आप इस कुर्सी पर बैठे हुए थे, फिर भी उस ऑफिसर को वहीं लगा दिया जाता है, तो दाल काली नहीं तो पूरी दूध दाल में काला नहीं कहते हमें, पूरी की पूरी दाल काली है, क्योंकि सरकार ट्रांसफर्स में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है, क्यों बदली करके वहीं बैठाया, जबकि यहाँ से उनको पता लग गया इस कुर्सी पर है कि उन्होंने न्याय नहीं करे प्रदेश की जनता, ये तो तभी ट्रांसफर हो गए, तभी ट्रांसफर हो गए, एक साल बाद रिकवरी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ उसी कुर्सी पर आकर बैठने में कामयाब रहे। नवजोत जी, मैं तो इस सरकार को मानता हूँ, भ्रष्टाचार की देन इस सरकार ने शुरू कर दी है, ये मान नहीं रहे, रुक नहीं रहे, और बार बार बताने के बाद भी ये काम हो रहे थे, तो चिंता का विषय, क्योंकि हम ब्लैक मनी को रोकने के लिए नोटबंदी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का काला पैसा रोकने के लिए नोटबंदी हम कह रहे हैं, और उस दूसरी तरफ हम ये करप्शन की बातें कर रहे हैं, तो बड़ी बातें, बड़ी बातें, और कॉन्ट्राडिक्टरी है, हाँ कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए 2 साल से हम कह रहे हैं कि ये सरकार घोटालों की सरकार है, इतने बड़े बड़े घोटाले किए, कोऑपरेटिव का घोटाला तो इनके खुद मंत्री के सेक्रेटरी ने मान लिया था, अगर हमारे डिपार्टमेंट में तो बगैर पैसे काम होता ही नहीं, तो ये तो घोटालों की सरकार है, और इस पर मोहर लगाई है यहाँ के विधायक ने, यहाँ के विधायक ने तहसील का घोटाला जाकर खुद उजागर किया, और सीधे सीधे डिप्टी कमिश्नर पर, कमिश्नर नगर निगम पर ये आरोप जड़ दिए कि वो घोटालों में लिप्त हैं और लाखों करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है, जब इनके खुद ही विधायक कह रहे हैं, इनके सांसद कह रहे हैं, कई बार अपने जो करनाल से सांसद हैं अश्विनी जी, वो कई बार कह चुके, अभी मुख्यमंत्री के आसपास तो सारे घोटालेबाज इकट्ठे हो रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला
10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला उन्होंने नोटबंदी कांड में नोटबंदी घोटाला करके कर दिया। वो जिस तरीके से लोगों को बहका रहे इसके दुष्परिणाम आगे देखने को मिलेंगे। आज जनता परेशान है। सवाल आप लोगों से ये है, इससे पहले कि मैं रणवीर सिंह के पास चलूं एंड देन अनूप के पास, ट्रांसपेरेंसी शुरू से सरकार कहती है कि बहुत ज्यादा पारदर्शिता ट्रांसफर में बरतेंगे। देखिये ये तो इनाम देने वाली बात है। क्या पैरामीटर्स तय किए गए जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं? आप पुराना रिकॉर्ड नहीं देख रहे? जो इनको पता लगता है ट्रांसपेरेंट होता है ये घोटालेबाज है उसको प्राइस पोस्ट पे लगाते हैं। मनीष ग्रोवर उसी का उदाहरण है। मनीष ग्रोवर ने रोहतक को जलवाया, ही वाज रिस्पॉन्सिबल। उसके घर के उसके गार्ड से सामान निकला था लूटा हुआ, और जब उनको प्राइस पोस्ट दी तो यहाँ तो छोटे से बड़े तक सबको प्राइस पोस्ट दे रही है सरकार। बीजेपी सरकार तो घोटालों वालों को पूरा संरक्षण देती है। जल्दी से कितनी शिकायतें की? मैंने बहुत शिकायतें की माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, तब भी मैंने शिकायतें की। चलिए सतीश रोहिला जी सांगी से विलोम करते हैं, उस टाइम पर सब शिकायतें फाइल हो जाती थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। फिर मैंने 30 नौ को पहले शिकायत की, फिर 28 नौ को की, फिर 11/16 को की। वहां पर बाई चांस एक ईमानदार अफसर RCS अफसर लग गया था, उन्होंने इसकी इंक्वायरी मार्क की। इंक्वायरी के अंदर इसको दोषी पाया गया। दोषी पाने के बाद फिर इसके ऊपर लाइबिलिटी फीस हुई 3 आदमी 41 लाख के करीब सतीश रोहिला पर, 28 लाख भी अनिल इंस्पेक्टर के ऊपर हुई, और 14 लाख भी वीरेंद्र हुड्डा को। लगभग 80-85 लाख रुपए की रिकवरी गुड़गांव मार्केटिंग कमेटी पर इनके ऊपर फिक्स हुई। उसके बाद मैंने न्यू मार्केटिंग कमेटी के लिए भी इनकी शिकायत की थी। न्यू मार्केटिंग कमेटी में एक मील होता था तेल का, उसका सारा माल बेच के खा के उसका स्टॉक रजिस्टर इन्होंने गायब कर दिया। मैंने RTI से मांगा, RTI कमीशन ने इनकी FIR की सिफारिश कर रखी है सतीश रोहिला की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब RCS का वहां से ट्रांसफर हो गया वो फाइल ठंडी पड़ गई, उसके बाद वो गवर्नमेंट को भेजी या नहीं भेजी मुझे RCS तक का पता, उसकी मेरे पास नोटिंग है सारी। तो अब उसको वो रिकवरी छोड़ करके इसको वापिस फिर वही उसी पोस्ट के ऊपर बैठा दिया गया। और एक में इसने एक बार कुछ सरस्वती कुंज के कुछ मेंबर्स ने इससे सेटिंग करके कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में। उसकी मैंने शिकायत की हाई कोर्ट में। क्या क्या हाई कोर्ट ने कहा, जो एक्चुअली जेन्युइन मेंबर हैं, एक आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया गया सतीश रोहिला को, सरकार को डायरेक्शन दी सरकार RCS ने, सतीश रोहिला को आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया, यहीं पर था ये पोस्टिंग। इन्होंने क्या किया कि उसको दे गए 70 लाख रुपए और उन्होंने अपने फेवर में एक फैसला लिखवा लिया उससे। मैंने सीएम विंडो पे 28/9/15 की, फिर 11/16 को, और उसके बाद 11/16 को, 11/16 को, हाँ इसी पर कार्रवाई हुई है। सभी को की मैंने कॉपी, सबको की। 11/16 को जो आपने सीएम विंडो पे शिकायत की, हाँ, उसके बाद क्या कार्रवाई? उसके बाद इसके ऊपर इंक्वायरी अफसर अपॉइंट हो गया, इंक्वायरी अफसर अपॉइंट हो गया, हाँ, लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई। रिकवरी नहीं, इंक्वायरी इनको दोबारा यहाँ पे भेज दिया। इंक्वायरी अफसर, क्या इंक्वायरी हुई? इंक्वायरी अफसर ने इसके ऊपर लाइबिलिटी फिक्स करके रिकवरी कोई नहीं, डिपार्टमेंट को भेज दिया। हाँ, क्योंकि इंक्वायरी अफसर DR होता है, एक सीनियर अफसर होता है, उससे सीनियर। उसने इंक्वायरी करके ने RCS ऑफिस को भेज दिया, इसके अंदर ये दोषी है, ये फॉल्ट इसके मिले। उसने सारे फैक्ट्स मेरे भी सुने, उसके भी सुने। मैं भी 4 बार आया हूँ यहाँ गुड़गांव। दलबीर जी, नवजोत जी, सीएम विंडो में जब घोटाले की बात आ गई, हाँ, तय मान लिया गया, हाँ, फिर बदली होने तो ये तो बिल्कुल एक तरह से साख पपट्टा सरकार की, साफ साफ शब्दों में ये बड़ा चिंता का विषय। जवाब दीजिए आप जी। देखिए नवजोत जी, आप तबादले की बात करें, तबादला जो है वो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो कि सभी सरकारों में होता आया है, हमारी सरकार में भी हो रहा है। और जो हमारा तबादला करने के जो आधार हैं वो कैलिबर ऑफ द पर्सन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लेस। एक सेकंड रुक जाओ अनु, प्लीज। एक मिनट, मैं नहीं बोली, आप लोग बोले, मैं नहीं बोली। बिल्कुल, एक सवाल साथ साथ, कैलिबर एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लेस। नो डाउट रिक्वायरमेंट होगी तो ट्रांसफर भी होगा, रिक्रूटमेंट भी होगी। बिल्कुल, कैलिबर कौन सा है रोहिला जी? मैं रोहिला जी पर भी आ रही हूँ। हाँ, मैं उसी पर बात नहीं, कर रही हूँ, मैं जर्नल बात मैं कर रही। तबादले के जो आधार बोले गए हैं नेगेटिव, मैं वो बता रही हूँ। वेरी गुड, कैलिबर, हाँ, जो उनका तबादला हुआ है वो एक प्रशासनिक, भाई बोलन देना, जो जो उनका तबादला हुआ है उसका आप ये कह रहे हैं कि उसी को वहीं पर वापस ला दिया गया। तबादला और कार्यवाही, हाँ, आप इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, राइट?
ये दोनों अलग चीजें हैं, जो आरोप लगा है उसकी कार्यवाही और तबादला। वन मोमेंट, लेट मी फिनिश। ओके अनु जी, यहाँ से उनको ट्रांसफर कर दिया गया इस चार्ज पे, उसके बाद इंक्वायरी हुई, उसके बाद उनको दोषी पा लिया गया, बिल्कुल ठीक है। और एक्शन तो क्या होना था, उसी कुर्सी पे दोबारा उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। यू आर जस्टिफाइंग दिस? अब मैं बोलूं? हाँ बोलो प्लीज। उनको वापिस उसी कुर्सी पर ला दिया गया, इस जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया, राइट। कार्यवाही वहाँ भी होनी थी, और जो कार्यवाही वहाँ होनी थी वो यहाँ भी हो सकती है। व्हाट अ जस्टिफिकेशन? नहीं नहीं, आपको आपको पहले ट्रांसफर करने की जरूरत क्या थी? कार्यवाही फिर पहले ट्रांसफर करने की जरूरत क्या थी? उनके कोई प्रावधान रहा हो? पेपर को दबाया जा सकता है इधर उधर कर दिया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के रूल हैं, जिस आदमी के पास शिकायत होगी उसके खिलाफ, तब तक उस शिकायत का निपटारा नहीं हो जाता, जब तक वो फाइल नहीं हो जाती, वो इंक्वायरी से बिल्कुल बरी नहीं हो जाता, तब तक उस पोस्टिंग पर उस जगह उसकी ट्रांसफर नहीं हो की जा सकती। तो इंक्वायरी क्या होगी उसके अगेंस्ट? नहीं की जा सकती। ये किसने बोला कि ये सर्विस रूल में है? नहीं, सर्विस रूल है, सर्विस रूल के अंदर लिखा है। लेकिन ये किसने कहा कि कार्यवाही नहीं होगी? हमें ये तो आप बताइए ना, सर्विस रूल है। अगर किसी आदमी का कोई शिकायत है उस पोस्टिंग पर नहीं आ सकता वो आदमी, जब तक उसके फाइल नहीं होगी। इट इज इन पाइपलाइन, इट इज गोइंग ऑन, कार्यवाही हो रही है। एक मिनट, आलोक निगम है हमारे साथ, एडिशनल सेक्रेटरी है, उनसे बात करेंगे। आलोक निगम जी नमस्कार। नमस्कार सर, बात कर रही हूँ सतीश रोहिला और उनके ट्रांसफर ऑर्डर्स की, जो अभी उन्हें गुड़गांव ट्रांसफर किया गया है एज एन एआर। उनके खिलाफ कुछ चार्जेस चल रहे लगे हुए थे संगीन, और फिर इंक्वायरी चल रही थी, क्या उसमें निकला और किस बेस पे उनको यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? देखिए, मैंने उस दिन भी हेलो जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, अब कहें। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि मैं मंडे को काम। हेलो जी, जी हेलो जी जी तो फाइन। हेलो ऑडियो में कुछ तकनीकी डिस्टर्बेंस आ रही है, बात करेंगे उनसे। उन्होंने कहा था हमें शनिवार को जब बात हुई थी कि मैं मंडे को फाइल दे के पूरी बात कहूंगा, बताऊंगा। आज सोमवार है। आलोक जी? हाँ जी। हाँ जी, अब आपकी आपको? जी आपकी आवाज आ रही है, अब आ रही है सर। हाँ, मैंने फाइल देखी मिस्टर रोहिला की जी, तो एक मिस्टर उपाध्याय है, उनकी कंप्लेंट आई हुई है, मिनिस्टर को एड्रेस है। हाँ, मिनिस्टर के ऑफिस से मेरे पास आई और हम लोगों ने उसको इमीडिएटली रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंक्वायरी के लिए भेज दिया है जी, ठीक है। और एक रोहिला का रिप्रेजेंटेशन आया है जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आया है। हाँ। कि उसने किसी न्यूज़पेपर रिपोर्ट से देखा है कि हाँ। उनके खिलाफ एक 41 लाख की रिकवरी का केस बना के भेजा है डिप्टी रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रार ऑफिस में जी, तो उसने ये रिक्वेस्ट किया कि कोई भी एक्शन लेने से पहले उसको सुना जाए जी। तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आज भी हम लोगों ने रिमाइंड किया है कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके हमें रिपोर्ट करें जी, ये स्थिति है। हाँ, हाँ। नहीं, आलोक जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के खिलाफ आपके विभाग ने अर्थात उससे ऊपर के ऑफिसर डिप्टी रजिस्ट्रार ने 41 लाख की रिकवरी निकाली। नहीं पढ़ रहा, थोड़ा तेज बोले। हाँ जी, मैं ऊंचा बोल रहा हूँ, जिस अधिकारी के खिलाफ आपके विभाग नहीं अर्थात उससे ऊपर के ऑफिसर ने 41 लाख की रिकवरी निकाल दी, और फिर उसका यहाँ से इसी आधार पर ट्रांसफर, फिर पुनः इसी आधार पर आज उसके ऑर्डर यहाँ के हो जाते हैं, ये क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे रोहिला ने कहा है कि उसपे ज्ञान हुआ है, बाकी ये सारे कागज रजिस्ट्रार ऑफिस में है। बेहतर होगा कि डिटेल में आप रजिस्ट्रार से भी पूछ ले, मैं भी पूछताछ कर रहा हूँ रजिस्ट्रार। नहीं, आलोक जी सुनिए सुनिए, ट्रांसफर ऑर्डर्स तो आपके यहाँ से आए हैं। आलोक जी मैं ये कह रहा हूँ, आपके ही डिप्टी रजिस्ट्रार जो कि इससे बड़े पद होता है, उसने निकाली है रिकवरी, किसी और अखबार ने नहीं निकाली। देखिए एक मिनट मेरे को जरा आप सुनिए, ऐसा है कि जब तक चार्जेस प्रूव नहीं हो जाते तब तक किसी को आप दोषी नहीं करार कर सकते। ठीक, सुनिए
नंबर दो, ट्रांसफर जो है एक रूटीन मामले हैं सरकार की नौकरी में, चाहे कोई भी पद हो, तो इसमें सरकार ने उसको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन परफेक्ट, एक मिनट मिस्टर आलोक, एक सेकेंड, परफेक्ट, आपने कहा कि चार्जेस हैं अभी गिल्टी नहीं हुए, ओके, अगर इंक्वायरी चल रही है, वो भी इंक्वायरी आपके अपने अफसर ने की है, उसके बाद वो प्रूव हुआ है, लेकिन जिस जगह पर चार्जेस लगे, जिस कुर्सी पर बैठकर जहां पर पोस्टिंग थी वहां पर चार्जेस लगे और उन्हें इस बेस पे यहां से ट्रांसफर कर दिया गया, वापस उन्हें उसी जगह पर रूटीन ट्रांसफर कहीं और भी हो सकती थी, न्याय मिलेगा यहाँ पर ही ट्रांसफर करने के पीछे का कारण क्या है, जब ऑलरेडी मामला अंडर इंक्वायरी है, इंक्वायरी नहीं, रिकवरी के जब आदेश हो चुके। हेलो, हाँ बोलिए, हेलो, सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपकी इंक्वायरी फाइनल होकर के रजिस्ट्रार के पास से गवर्नमेंट के लिए फाइल हुआ, रजिस्ट्रार को ऑफिस में पड़ी है। हाँ। आप जरा पूछिए रजिस्ट्रार से वो फाइल क्यों दोबारा की, पिछले छह महीने से दबाई हुई है फाइल, इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है, चार्ज फ्रेम हो चुका है, रिकवरी के लिए सरकार को लिखा गया है, उसके अंदर आरसीएस के साइन है फाइल के ऊपर, अभी तक गवर्नमेंट के पास पहुंची है नहीं पहुंची मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास ये, मैं हैरान हूँ कि हमारे पास ये सूत्रों के हवाले से खबर है और रजिस्ट्रार ऑफिस में पता ही नहीं है इस बात का, दिस इज वेरी स्ट्रेंज, और हमें एक दिन पहले ही पता लग गया था और हमने खबर दिखा दी थी कि यहाँ ट्रांसफर होने वाले ऑर्डर ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ऑर्डर हमने पहले ही बता दिए थे कि ऑर्डर हो चुके हैं। आलोक जी कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा सवाल लगातार इस पर बना हुआ है कि जब चार्जेस लगे यहाँ से ट्रांसफर आउट किया गया, फ्रेम हो गए, उसी अफसर को दोबारा यहाँ ट्रांसफर करने के पीछे आखिर वजह क्या है, सवाल जरूर खड़े होते हैं, कहीं और ट्रांसफर किया जा सकता था, ट्रांसफर एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन पैरामीटर्स क्या है ट्रांसफर के, और वो भी गुड़गांव जैसी जगह पर जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की में ऑलरेडी उनके खिलाफ चार्जेस लगे हैं, हो चुके और प्रूव हो चुके, 41 लाख की रिकवरी के ऑर्डर हो चुके, ऑर्डर हो चुके, इनसे बड़े ऑफिसर ने कर दिए हैं, क्या आरसीएस रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कर दिए, बताइए सर। आलोक जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी रोहिला जी को ना तो रूल 7 में चार्जशीट किया गया है, ना रूल 8 में चार्जशीट किया गया है, जब रिपोर्ट आएगी तो उसको चार्जशीट किया जाएगा, बकायदा मामला सरकार के संगीन सरकार के नॉलेज में अब आया है, तो अब इस पे एक्शन होगा। इतनी जल्दबाजी क्या थी उन्हें यहीं पर पोस्टिंग देने की, अगर मामला अब संज्ञान में आया है और चार्जशीट के लिए आप वेट भी कर रहे हैं, why there was so much of hurry to transfer him right here, जहां पर उनके खिलाफ चार्जेस लगे, on this price posting, जहां पर ऑलरेडी सवाल खड़े हुए थे, इतनी क्या जल्दबाजी थी, he could have been remained at Jhajjar or wherever he was, आलोक जी आरसीएस वो देंगे एक जिले से दूसरे जिले में केवल हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से ट्रांसफर ऑर्डर इशू होते हैं, ठीक है, और ये एक्सरसाइज पूरी रिसर्च करके की जाती है। ओके, तो आपने अपने अपने पाले से गेंद मुख्यमंत्री कार्यालय में फेंक दी कि ट्रांसफर ऑर्डर्स वहाँ से होते। चलिए जल्दी से, देखिएगा निगम जी, सरकार को और मुख्यमंत्री को और मंत्री को ये नहीं पता होता ये अधिकारी के ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, आप उसको पर ये कह सकते थे जी इसके ऊपर तो ये चार्ज है, इसकी पोस्टिंग वहां नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, इसलिए इस ऑर्डर को रद्द किया जाए, इसकी जगह कोई दूसरा ऑर्डर दिया जाए, ये आप कर सकते थे। अरे ऐसे मैंने देखे कुछ ऑफिसर को, मंत्री का दबाव आया है और भी मुख्यमंत्री का दबाव, लेकिन उसने ये कहा कि जी इसके ऊपर तो इसके ऊपर ब्लेम चार्जेस है, ये उसको उसी जगह नहीं जा सकता, रिकवरी के वो हो चुके उसी पोस्ट पर, रूल 7 की मिस्टर अशोक सांगवान ने रूल 7 की चार्जशीट के लिए सिफारिश की हुई है सरकार के पास, आप फाइल मंगवा के देखिए, नहीं आई है रजिस्ट्रार के कार्यालय से, कंप्लेंट ऑफिसर्स की आती रहती है, लेकिन जब तक चार्जशीट नहीं किया जाता किसी को तो आपने करना होता है, कॉग्निजेंस नहीं ली जाती है, चार्जशीट आपने करना है, फाइल कितनी जगह से मूव होगी, कितनी जल्दी मूव होगी, ये तो आपके डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, छह महीने पुरानी बातें हैं, व्हाई द प्रोसेस इज सो स्लो जब हम भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है, ऑब्वियसली बताइए अनु,
देखिए प्रोसेस में है, स्लो फास्ट तो डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस एंड डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ वर्क. तो दिस इज ऑफ कोर्स जस्टिफाई, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, खुदा ने क्या ये जस्टिफिकेशन नहीं निकाल सकते आप. इजी भी होना है क्योंकि रोसक से हां, लेकिन चलो मौजूदा हालात पे तो बात करनी है. देखिए आलोक निगम जी हिमसेल्फ इज ए गवर्नमेंट, ये वेरी सीनियर ऑफिसर, और वो अगर ये कहते हैं और करप्शन को अगर वो कहते हैं कि बड़ी लाइटली लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी तरह से करप्शन में लिप्त है. और सरकार का आशीर्वाद है करप्ट ऑफिसर्स को. इस तरीके से अगर निगम साहब जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, ही हिमसेल्फ इज अ वेरी सीनियर ऑफिसर, ही इज अ गवर्नमेंट हिमसेल्फ, और अगर वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को कौन बताएगा. मुख्यमंत्री जी अगर कोई करप्ट ऑफिसर को कर रहे हैं तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी और सारा सिस्टम ही पूरा करप्शन को सील कर रहे हैं. आपके पास है, आपको पता है शिकायतें. भाई रणवीर की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ. ये कह रहे हैं हमारी सरकार का बिना बात के आरोप लगा रहे हैं, वो गलत बात है. वो गए टाइम की बात है, दो साल हो चुके हैं. मौजूदा हालात पे हम बात कर रहे हैं, मौजूदा, क्योंकि हम ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता की बात करते हैं. उसके साथ कोई पैरामीटर्स तो होने चाहिए अफसर को ट्रांसफर करने के, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं. आप उनको उसी जगह पे ट्रांसफर किस बेस पे कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है आलोक जी, जिसका कोई तसल्ली बख्श जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें यहीं पर जहां से उनके ऊपर चार्जेस लगे उन्हें भेजा गया, फिर दोबारा से उन्हें उसी कुर्सी पर लाके बिठा दिया. बात सुनिए आप जी, जब तक रूल 7 ऑफ हरियाणा सिविल सर्विस अपील रूल 1987 या रूल 8 ऑफ हरियाणा सिविल सर्विस पनिशमेंट एंड अपील रूल 1987 की चार्जशीट नहीं इश्यू हो जाती, तब तक अफसर को आरोपित नहीं माना जाता. इस महकमे में बहुत शिकायतें चल रही हैं और कोई करप्शन में लिप्त नहीं है. ये डिपार्टमेंट एकदम जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए. वेरी गुड, इफ यू आर सेइंग कि कोई करप्शन में लिप्त नहीं है, हम तो चाहते हैं कि लिप्त ना हो, लेकिन हरियाणा न्यूज दो साल पहले 2015 में जो खुलासा कर चुका है उसकी तस्वीरें भी बिल्कुल पूरे पूरा पूरा प्रदेश देख चुका है. आलोक जी, जिस तंत्र के आप मुखिया हैं, जिस विभाग के आप मुखिया हैं, तत्कालीन रजिस्ट्रार अशोक सांगवान ने ये सेक्शन 7 के अंदर मेजर पुनिशमेंट के लिए रिकमेंड कर रखा. वो 6 महीने से फाइल पड़ी, उसको तो आप ही निकलवाओगे ना, आप मुखिया. नहीं नहीं, किसने रिकमेंड करके, अगर रजिस्ट्रार ने रिकमेंड किया, वो तो उसके बाद तो आप ही हो, उससे ऊपर तो आप ही बनते हो. कहां रिकमेंड किया, किसके पास फाइल रजिस्ट्रार के ऑफिस में पड़ी है. नोटिंग मंगवा के आप देख सकते हो. और ये कह रहे हैं हम फाइल पड़ी हुई सर, और सीएम विंडो में 11/6/2016 से सीएम विंडो में भी कंप्लेंट थी इनकी. देखिए मैं तो आपको रिकॉर्ड देख के बता रहा हूँ कि अभी रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई चार्जशीट नहीं आई है. चार्जशीट नहीं, उन्होंने रिकमेंड किया, वो तो आप, वो तो रिकमेंडिंग अथॉरिटी है ना, हायर अथॉरिटी तो आप है ना, आपने करना. कोई रिकमेंडेशन भी नहीं आई है. लो सुन लो फिर डेट सुन, आपको सुना देते हैं, आपको सुना देते हैं. मैं आपको रिकॉर्ड की जांच करवा देता हूं. नहीं नहीं आलोक जी, आपको सुनवा देते हैं, लेकिन लो सुनवा देते हैं. आलोक जी विंडो डायरेक्ट कंप्लेंट सारे इनके खिलाफ है. रिकवरी के लिए ऑर्डर हो चुके हैं, जिनके खिलाफ रिकवरी के ऑर्डर, रिकवरी की बात आ चुकी है, जिनके ऊपर एलिगेशन लग चुके हैं, जिस वजह से वो यहाँ से ट्रांसफर हुए, उनको उसी जगह पे ट्रांसफर करने की क्या मजबूरी थी. मैंने मान ली आपकी बात कि अंडर रूलिंग 7 and 8 नथिंग हैज बीन इनिशिएटेड. तो वो इन्होंने किसने करना, वो थी कि नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ किसने करना इनिशिएट. इन्होंने तो करना इनिशिएट, वो यही तो करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई जो उन्होंने रिकमेंड कर दी रजिस्ट्रार ने. इससे ऊपर अफसर निगम साहब हैं, बस इन्हीं के पास छह महीने से इनके पास क्यों नहीं पहुंची फाइल, ये पूछे. फाइल क्यों नहीं पहुंची रजिस्ट्रार ऑफिस में, मैं ये कह रहा हूँ ना, उससे ऊपर तो खुद आलोक किसने दबा के रखी हुई फाइल 6 महीने से. हाँ, फाइलें दबी क्यों हुई, रिकवरी के ऑर्डर 6 महीने पहले हो चुके. हम मानते हैं निगम जी के पास नहीं पहुंची होगी, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन आरसीएस ऑफिस से पूछे गए कहाँ रखी है अभी तक. और एयर कह रहे हैं इंक्वायरी मंगाई है, वो इंक्वायरी जो हुई थी उसको. सर आप कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि मैं एक छोटा सा ब्रेक लूं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई रिकमेंडेशन चार्जशीटिंग के बारे में नहीं आई है. आपने रजिस्ट्रार ऑफिस से फाइल मंगवा के सारी देख ली है?
नहीं रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं मगर मैंने अपने ऑफिस में देखी नहीं नहीं रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं है वही तो आपने रजिस्ट्रार ऑफिस से अभी कोई फाइल समन नहीं की है। रजिस्ट्रार को हमने डायरेक्शन दिया है आज भी रिपीट किया है कि जल्दी से इसकी उपाध्याय जी की कंप्लेंट पे अपने कमेंट भेजें कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने उस दिन भी आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर चार्जेस एस्टैब्लिश होते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी चाहे रोहिणा हो चाहे कोई भी हो। निगम साहब, निगम साहब आपके जो मिनिस्टर थे पहले विक्रम ठेकेदार उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा था नाम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है नॉन कोऑपरेटिव। तो नॉन कोऑपरेटिव वाली बात ऑन एयर ये बात हमें कही गई थी ऑन एयर और ये हम सुना सकते हैं आज भी कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट नॉन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कहा। शुरू से ये डिपार्टमेंट सवालों में रहा, शुरू से इस पर कोई ना कोई चार्जेस लगते रहे लेकिन उसके बावजूद आप आलोक जी कह रहे हैं कि कोई यहाँ करप्शन नहीं है। वरिंदर हुडा इंस्पेक्टर ऑन कैमरा भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए थे जिसका खुलासा हरियाणा न्यूज ने किया था, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं आऊंगी आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ।